अस्सलाम वालेकुम लेवल थ्री, हाउ आर यू? टुडे विल स्टार्ट आवर ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन, पेज नंबर 95, 15 मई 2020, क्वेश्चन नंबर 13, वर्क दीज आउट यूजिंग द लॉन्ग मेथड। यहाँ पे हम लेवल थ्री क्या पढ़ रहे हैं कि हमने, जैसा कि पहले मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कि स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तो उसी को हम लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। मतलब हमने स्टेप वन को, टू को, थ्री को, इसी तरह इसी को लॉन्ग डिवीजन भी कहा जाता है और लॉन्ग मेथड भी कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड सेम हमारा, सिर्फ हमारी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हुई है लेकिन हमारा मेथड वही है, इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए से हम स्टार्ट लेंगे, टू का टेबल पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा एट है, टू का टेबल एट टाइम पढ़ेंगे, एट तक पढ़ेंगे। टू वन इज़ टू, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू फोर ज़ार एट। हमने टू को फोर टाइम पढ़ा तो एट हमारा आंसर आया, फोर फिंगर ओपन हुई, एट आया यहाँ। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में फोर नीचे आएगा, टू का टेबल पढ़ेंगे, टू वन इज़ टू, टू टू ज़ार फोर, यहाँ पे फोर आएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप में टू को नीचे लेके आएंगे और टू एज इट नीचे आना चाहिए बिल्कुल, और टू का टेबल टू वन इज़ टू, यहाँ पे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है। अंडरस्टैंड लेवल थ्री। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो बी है वो भी इसी तरह है, फोर का टेबल पढ़ेंगे एट तक, फोर वन इज़ फोर, फोर टू ज़ार एट, टू टाइम टू फिंगर ओपन हुई हैं, एट यहाँ आएगा। नेक्स्ट एट को नीचे लेके आएंगे सेकंड स्टेप में, फोर का टेबल यकीनन टू टाइम पढ़ना पड़ेगा, फोर वन इज़ फोर, फोर टू ज़ार एट, यहाँ पे एट आएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ये फोर एज इट नीचे आना चाहिए और फोर का टेबल हम फोर, फोर वन इज़ फोर मीन वन टाइम ही पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो इसका मतलब है ये हमारा इक्वली डिवाइड हो गया। इसी से रिलेटेड हमारा पार्ट सी, डी, ई और एफ है, जो कि आपने खुद सॉल्व करना होगा और क्वेश्चन नंबर 13 के रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओके लेवल थ्री, अल्लाह हाफिज़।